यह धरती बहुत ही विशाल जगह है, जहां आपको एक से बढ़कर एक खास जगह देखने को मिलती हैं। लेकिन पृथ्वी के उन खास जगहों में कुछ जगहें इतनी रहस्यमयी हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में पृथ्वी की रहस्यमयी आइलैंड के बारे में जानेंगे, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ये जगहें अपनी भयावहता, विचित्रता और रोमांच से हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये जगहें इतनी डरावनी और खतरनाक हैं कि यहां किसी भी इंसान की पल भर में मौत हो सकती है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए जाने वाले कुछ आइलैंड के बारे में हो सकता है कि आप पहले से जानते हो, मगर वो आइलैंड अपने रहस्यों की वजह से इस वीडियो में शामिल हैं। साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात भी बता देता हूं कि जो कहानियां इंटरेस्टिंग हैं, उन कहानियों को मैं पूरी बताने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए हिस्ट्री और मिस्ट्री के साथ रहस्यमय सफर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर एक, सोकोत्रा द्वीप। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में सोकोत्रा द्वीप स्थित है। धरती पर मौजूद इसे एक एलियन दुनिया की तरह माना जाता है, और इसकी खास वजह यह है कि सोकोत्रा द्वीप को देखने के बाद लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अफ्रीका से काफी दूर स्थित यह एक अनोखा आइलैंड है। इसको लोग पहले बहुत कम जानते थे, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन इस समय यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अनोखे आइलैंड पर यमन का शासन है। अरब सागर और गार्डाफुई चैनल के बीच में स्थित इस द्वीप पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है कि यह कोई काल्पनिक दुनिया है। इस द्वीप पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। सोकोत्रा द्वीप लगभग 3,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई करीब 132 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस द्वीप की राजधानी हादीबू है। सोकोत्रा आइलैंड समेत इसके पास स्थित चारों द्वीप पर करीब 60,000 लोग रहते हैं। यहां पर हर किलोमीटर में सिर्फ 11 लोग रहते हैं, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी बेहद कम है। इस द्वीप की अनोखी बनावट की वजह से साल 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। यहां पर दो छोटे छोटे पथरीले द्वीप भी हैं, जहां पर इंसान नहीं रहते हैं बल्कि पक्षियों का बसेरा है। इस द्वीप पर अधिकतर तापमान गर्म रहता है और यहां पर जलवायु रेगिस्तानी है। नंबर दो, गोकी आइलैंड, प्रकृति का कब्जा। गोकी चीन के शेंगसी द्वीप समूह के उन 18 द्वीपों में से एक था जहां कभी आबादी थी। एक समय था जब गोकी द्वीप काफी समृद्ध गांव था। यहां पहले मछुआरे रहा करते थे, बाद में मछुआरे द्वीप छोड़कर चले गए और उसके बाद यहां बने घरों पर हरियाली की परत ऐसी जम गई है मानो प्रकृति ने कब्जा कर लिया हो। यह जगह इस बात की पुष्टि करती है कि अगर इंसान इस धरती को छोड़ दें तो कुछ ही समय में प्रकृति इस पर अपना कब्जा जमा लेगी। यह छोटा सा द्वीप कभी एक व्यस्त मछली पकड़ने वाले गांव का घर था, जिसमें 2,000 से अधिक मछुआरे और उनके परिवार 500 से अधिक घरों में रहते थे। बेहतर जीवन की तलाश में 1990 के दशक की शुरुआत में निवासियों ने द्वीप छोड़ना शुरू कर दिया और 1994 तक यहां से लगभग सभी लोग चले गए थे, और आज केवल कुछ ही ग्रामीण बचे हैं जो मछली पकड़ने के लिए नहीं हैं बल्कि यहां अपनी दुकानें चलाने के लिए रुके हैं। नंबर तीन, स्नेक आइलैंड। दरअसल यह खतरनाक जगह ब्राजील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्यूइमादा है। वैसे दूर से तो देखने में यह आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं, और इस प्रजाति के सांपों में उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4,000 से भी अधिक सांप हैं।
ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। स्नेक आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है, और विशेषज्ञ भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहां मिलने वाले गोल्डन लांसहेड वाइपर सांप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में $10,000 से $30,000 तक की कीमत पर बेचा जा सकता है। नंबर 4, क्लिपर्टन आइलैंड। इस द्वीप की कोई रहस्यमय घटनाएं नहीं है, मगर इस द्वीप पर एक बेहद ही दर्दनाक घटना घटी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। इस द्वीप का बड़ा उथल पुथल इतिहास रहा है, लेकिन हम वहां से बात करेंगे जब मेक्सिको ने 1906 में आधिकारिक तौर पर नियंत्रण लेते हुए इस द्वीप पर एक सैन्य कॉलोनी और एक लाइट हाउस की स्थापना की थी। आई नो ये पॉइंट फिर भी थोड़ा लंबा ही होगा, मगर कहानी यहीं से दर्दनाक है और इंटरेस्टिंग भी है। तब मैक्सिकन राष्ट्रपति पोर्फिरियो डियाज ने 100 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को क्लिपर्टन द्वीप पर रहने के लिए भेज दिया और कैप्टन रेमन अर्नॉड को क्लिपर्टन द्वीप का गवर्नर नियुक्त किया। बता दूं कि अर्नॉड सेना से एक भगोड़ा था और उसे सजा के तौर पर क्लिपर्टन द्वीप भेज दिया गया था, और अब यहीं से इन्हीं लोगों के साथ इस आइलैंड की स्वर्ग और नर्क दोनों की कहानी शुरू होती है। मेक्सिको से इस द्वीप पर भेजे गए लोगों के लिए हर 2 महीने में भोजन और आपूर्ति के साथ एक जहाज मेक्सिको से यहां आता था, और पहले के कुछ महीने क्लिपर्टन द्वीप के निवासियों के लिए यह जगह स्वर्ग जैसा लगने लगा था। लेकिन उस समय मेक्सिको 1910 से 1920 तक चली क्रांति से गुजर रहा था, और क्लिपर्टन द्वीप सुरक्षित था और देश में हो रहे उथल पुथल से दूर था। मगर मेक्सिको में राजनीतिक स्थिति अधिक गंभीर हो गई और सरकार क्लिपर्टन द्वीप पर अपने नागरिकों के बारे में भूल गई। आपूर्ति जहाज जिन पर द्वीपवासी पूरी तरह से निर्भर थे वो भी आना बंद हो गया। तब कैप्टन अर्नॉड को एहसास हुआ कि गवर्नर के रूप में उन्हें वह सब कुछ करने की जरूरत है जिससे क्लिपर्टन द्वीप के कई अन्य निवासी यथासंभव लंबे समय तक जीवित रह सकें। द्वीप पर उगने वाले नारियल की छोटी संख्या से महिलाओं और बच्चों को प्रति सप्ताह एक नारियल दिया जाता था द्वीपवासियों को अपना पेट भरने के लिए। उन समुद्री पक्षियों के अंडे भी खाने का सहारा लेना पड़ा जिन्होंने द्वीप पर घोंसला बनाया था, और उन केकड़ों को भी पकड़ना पड़ा जो एटोल पर शासन करते थे। मछली पकड़ना लगभग असंभव था क्योंकि मछलियां द्वीप के ठीक बाहर तैरती थीं और जाल में पकड़ने के लिए पर्याप्त करीब नहीं थीं। इस तरह भोजन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण विटामिन की कमी से क्लिपर्टन द्वीप के लोग स्कर्वी और रिकेट्स जैसी बीमारियों से पीड़ित होने लगे और लोग भूख से मरने लगे, और क्लिपर्टन द्वीप पर स्थिति बद से बदतर होती चली गई। और उसी दरमियान कैप्टन अर्नॉड ने दावा किया कि उसने क्षितिज पर एक जहाज देखा है, और अर्नॉड समेत बाकी जीवित बचे लोगों में से कुछ लोग एक छोटी नाव में चढ़ गए और उस जहाज की ओर निकल पड़े। और अब यहां से आगे क्या हुआ इसकी 2 अलग-अलग कहानियां हैं, मगर दोनों कहानियों में इन लोगों के समंदर में समा जाने का ही जिक्र हुआ है। पहला तो यह है कि कैप्टन अर्नॉड द्वारा देखा गया जहाज उनका भ्रम था, और इस कारण अर्नॉड के साथ गए लोग अर्नॉड के साथ लड़ पड़े और लड़ाई में उनकी नौका समंदर में डूब गई। अब दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि बचे हुए लोगों और कैप्टन अर्नॉड ने दूरी में देखे गए बड़े जहाज तक जाने की कोशिश की, लेकिन नाव मूंगा चट्टान से टकरा गई और उसमें सवार सभी लोग मर गए। और अब यहां से इस आइलैंड पर दुष्कर्म और भयावहता ने जन्म ले लिया। दरअसल सच्चाई के बावजूद पुरुषों के समुद्र से लौटने में विफल रहने के बाद यहां केवल 15 महिलाएं और एक पुरुष लाइट हाउस कीपर द्वीप पर बचे थे। मानो ब्रह्मांड इस द्वीपवासियों की ताकत का परीक्षण कर रहा था। फिर उसके बाद प्रकाश स्तंभ के रक्षक विक्टोरियानो अल्वारेज ने खुद को क्लिपर्टन द्वीप का राजा घोषित कर दिया, और द्वीप पर बचे लोगों का जीवन और भी बदतर हो गया।
दरअसल अल्वारेज द्वीप पर झेले कठिन परेशानियों के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गया था, जिस कारण उसने कठोरता से शासन किया। सबसे पहले तो उसने लोगों से द्वीप पर मौजूद सारे हथियारों को एकत्र करवाए और अपने लिए एक बंदूक रखकर द्वीप के सभी हथियारों को समुद्र में फेंक दिया, ताकि उसके खिलाफ कोई हथियार ना उठ सके। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर उसने घोषणा किया कि द्वीप पर महिलाएं उसकी हैं और वह उसकी और उसकी जरूरतों की सेवा करने के लिए वहां है। अल्वारेज इस द्वीप पर बचे महिलाओं और किशोर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था और अपनी इच्छानुसार बच्चों को अपना गुलाम बना लेता था। महिलाएं और बच्चे कमजोर थे, भूखे थे, डरे हुए थे और क्लिपर्टन द्वीप के राजा द्वारा उन पर लगातार अत्याचार किया जा रहा था। जब कोई उसके आदेशों का पालन नहीं करता था तो अल्वारेज उस व्यक्ति को पीट पीट कर या अपनी बंदूक से गोली मारकर एक उदाहरण बना देता था, और ये क्रूरता 3 साल तक चली थी। आखिरकार इस हालात से लोगों को थोड़ा आराम तब मिला जब द्वीप की 2 महिलाएं, जिनमें से एक कैप्टन अर्नॉड की विधवा एलिसिया थीं, वे दोनों महिलाएं प्रकाश स्तंभ में गईं, क्योंकि क्लिपर्टन द्वीप के बाद के राजा अल्वारेज ने उनकी उपस्थिति की मांग की थी। लेकिन जब महिलाएं वहां पहुंचीं तो उन्होंने अल्वारेज पर हमला कर दिया। महिलाओं ने हथौड़े और चाकू से अल्वारेज की हत्या कर दी थी और उसके अवशेषों को केकड़ों द्वारा खाने के लिए किनारे पर छोड़ दिया था। हालांकि यह जीत द्वीप पर बचे कुछ लोगों के लिए राहत थी, क्योंकि वे हर दिन की होने वाले शोषण से मुक्ति पा गए थे, लेकिन वे अभी भी फंसे हुए थे और भूख से मर रहे थे। और ये हालात तब तक रहा जब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, और आखिरकार 1917 में क्लिपर्टन द्वीप के राजा अल्वारेज की हार के कुछ समय बाद द्वीपवासियों ने दूर से एक जहाज देखा, जिस जहाज को कैप्टन अर्नॉड ने वर्षों पहले देखने का दावा किया था। लेकिन यह उसके विपरीत था, क्योंकि यह जहाज असली था और द्वीप पर बेबस लाचार महिलाओं और बच्चों को देखकर जहाज उनके पास गया और उस जहाज में सवार लोगों ने उनकी जान बचाई। नंबर 5, गियोला आइलैंड। गियोला इटली के नेपल्स में स्थित एक छोटा द्वीप है जो लगभग 42 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह द्वीप नेपल्स की खाड़ी में स्थित है जो 2 टापुओं से मिलकर बना है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसने भी इस द्वीप को खरीदा वो तबाह हो गया। कई मालिकों की तो अकाल मृत्यु भी हो गई और अब इस द्वीप पर कोई नहीं रहता। द्वीप को निर्जन हुए 45 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन उसके आसपास का रहस्य आज भी कायम है। अब इसे दुनिया का सबसे शापित द्वीप बताया जाता है और ऐसा कहे जाने का कारण आपके होश उड़ा देगी। इस द्वीप के एक टापू पर एक विला है, जबकि दूसरा टापू खाली पड़ा हुआ है। एक छोटा पुल इन दोनों टापुओं को जोड़ता है, जो केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग है। यह पुल बहुत संकरा है और 2 टापुओं को जोड़ने वाले प्राकृतिक मेहराब जैसा दिखता है। चारों ओर पानी से घिरा यह द्वीप देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। गियोला आइलैंड इटली के सबसे भव्य द्वीपों में से एक है और यह शापित द्वीप अपने मालिकों के परिवारों में अकाल मृत्यु और मानसिक बीमारी जैसी दुर्घटनाएं पैदा करने के लिए फेमस है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस द्वीप पर एक साधु का निवास हुआ करता था, जिसे जादूगर के नाम से जाना जाता था। और वो साधु यहां फिशिंग करने वाले मछुआरों को कभी कभी नजर आता था, जब साधु को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन एक दिन वो साधु अचानक गायब हो गया और किसी को नजर नहीं आया। उसके बाद से कई अमीरों ने इस आइलैंड को खरीदा और उन्हीं कई अमीर खरीदारों में से एक द्वारा बनाया गया यह विला आज भी यहां मौजूद है। इस आइलैंड के कहानी में इसके कई मालिकों का जिक्र मिलता है, जो इस आइलैंड को खरीदते ही रहस्यमय घटनाओं का शिकार हुए हैं और आज भी लोग इस आइलैंड पर जाने से डरते हैं। इस आइलैंड का रहस्य लगभग पूरा बता दिया हूं, फिर भी एक स्पेशल वीडियो के लिए आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक खरीदार का जिक्र कर रहा हूं। साधु के गायब होने के बाद एक बड़ी फिशिंग कंपनी के मालिक लुइगी नेग्री ने 1800 के दशक के अंत में इस द्वीप को खरीदा और यहां एक विला बनाया, जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। फिर जल्द ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए
और उसे अपना सारा सामान बेचना पड़ा। फिर 20वीं सदी के दौरान द्वीप के साथ साथ विला को कई लोगों ने खरीदा, लेकिन उन सभी को भी अपने जीवन के सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ा। नंबर 6, पलमायरा द्वीप, एक शापित आइलैंड। कहा जाता है कि ये आइलैंड लंबे समय से शापित है और इस पलमायरा आइलैंड पर कोई स्थायी निवासी नहीं है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जो कोई भी जाता है वह लौटकर वापस नहीं आ पाता। इस जगह से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सन 1798 से लेकर अब तक यहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। कहा जाता है कि अक्सर इस आइलैंड के ऊपर से उड़ने वाले प्लेन और जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। हालांकि कई लोगों ने इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, उसके बाद भी उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस शापित आइलैंड पर जो कोई भी जाता है वह कभी वापस नहीं आ पाता। ऐसे कई रिकॉर्ड सामने आए हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि इस टापू पर जाने के बाद कई व्यक्ति वापस नहीं आ सके। हालांकि कुछ ऐसे भी हिम्मतवर लोग थे जो इस टापू पर जाने के बाद वापस लौटकर भी आ गए, और उनके मुताबिक इस रहस्यमयी जगह पर उन्हें काफी अजीबोगरीब महसूस हुआ था। वे बताते हैं कि यहां पर उनका कई रहस्यमयी ताकतों से सामना हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि जैसे यहां पर कोई भूत प्रेत हो, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। नंबर 7, इस्ला डी लास मुनेकास, गुड़ियों का द्वीप। मेक्सिको सिटी से लगभग 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक छोटा दूरस्थ द्वीप है, और हलचल भरे शहर के करीब होने के बावजूद यह द्वीप अपनी भयानक और भयावह किंवदंती के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से उत्सुक पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस्ला डी लास मुनेकास नामक इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ से लटकी देखी गई थीं। इस आइलैंड को तैरता हुआ बगीचा भी कहा जाता है, जिसे मेक्सिको में चिनम्पा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हजारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफी डरावनी है। दरअसल इन सब लटके गुड़ियों के पीछे डॉन जूलियन सैंटाना बेरेरा नामक एक पागल इंसान का संबंध जोड़ा गया है, जो अपना घर परिवार त्याग कर इस आइलैंड में अकेले रहने आ गया था। फिर उसके आने के बाद कई लोग यहां घूमने आए, और घूमने आने वाले उन पर्यटकों में एक बच्ची की मृत्यु का भी जिक्र किया गया है, जो यहां डूब कर मर गई थी। फिर जहां वो बच्ची डूब कर मरी थी, वहां पर एक गुड़िया मिली, जो उस इंसान को मिली जो अपने पागलपन की वजह से यहां रहने आया था। तब उस पागल इंसान को लगा कि उस लड़की की डॉल को पेड़ पर लटका देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही उसने किनारे के कचरों में कई और डॉल ढूंढे और सबको पेड़ से लटका दिया। और उसके बाद कुछ कहानियों में बताया गया है कि इस पागल के इस हरकत के बाद जो कोई भी यहां घूमने आता है तो वो अपने साथ एक डॉल लेकर आता है, और लड़की की आत्मा की शांति के लिए यहां पेड़ पर लटका देता है। और इस तरह ये आइलैंड हजारों गुड़ियों से भर गया, जो आज लोगों के रहस्य का कारण बना हुआ है। ये द्वीप पेड़ पौधों से गुलजार है, लेकिन यहां रात में आने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं होती, और इसकी वजह है इस द्वीप में लगे पेड़ों पर लटकी हुई गुड़ियों की फौज, जो किसी भी इंसान को यहां आने से रोकती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इन गुड़ियों में उस लड़की की आत्मा वास करती है जो यहां डूब कर मर गई थी। और इस तरह यहां जाने वाले कई लोग इस बात का दावा भी करते आ रहे हैं कि यहां उन्होंने दो आमने सामने टंगे गुड़ियों को फुसफुसाते सुना है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने गुड़ियों को अपना आंख घुमाते हुए देखा है। और इस तरह कई किंवदंतियां हैं इस आइलैंड को लेकर, जिस कारण आज भी लोग रात के समय यहां रुकने से खौफ खाते हैं। नंबर 8, क्रिसमस आइलैंड। 1643 में क्रिसमस के दिन इसे खोजा गया था, और इस द्वीप पर केकड़ों की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो बारिश के मौसम में समुद्र में अंडे देने के लिए अपने बिलों को छोड़ समुद्र की तरफ जाते हैं। इस एक महीने के दौरान लगभग 14 करोड़ केकड़े
5 मील की घातक यात्रा करते हैं जो वाकई देखने लायक है। नंबर 9, पोवेगलिया आइलैंड। यह एक छोटा सा द्वीप है और यह वही द्वीप है जिसका उपयोग प्लेग महामारी के दौरान किया गया था और तब लगभग 1.60 लाख लोगों को यहां जिंदा जला दिया गया था। और इस घटना के बाद आगे चलकर इस द्वीप पर एक मानसिक अस्पताल बनाया गया और अस्पताल के बनने के बाद मरीजों समेत डॉक्टरों को भी यहां के भूतों के हाथों अपना जान गंवाना पड़ा। उसके बाद यहां आने वाले कई लोगों ने यहां के रहस्यमय शक्तियों के बारे में दावा किया जिस कारण सरकार ने यहां जाने से बैन कर रखा है। कहा जाता है कि यहां जाने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता। इस रहस्यमय दर्दनाक आइलैंड के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के ऊपर अभी आई बटन और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। नंबर 10, रामरी आइलैंड, जहां रची गई मौत की डरावनी कहानी। म्यांमार बर्मा के तट पर स्थित है रामरी आइलैंड, जो एक बेहद डरावना और रहस्यमयी होने के साथ ही काफी अजीबोगरीब भी है। यहां करीब 1000 जापानी सैनिकों पर मौत ने ऐसा हमला किया था कि उनमें से केवल 20 ही बचकर निकल पाए थे। रामरी आइलैंड से जो सैनिक जान बचाकर बाहर आने में कामयाब रहे थे उनकी खौफनाक आप बीती को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे ही एक सैनिक ने अपनी आप बीती एक बुक के जरिए लोगों से साझा किया था। दरअसल रामरी आइलैंड पर मगरमच्छों का कब्जा है और वहां जाने वालों को उनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आइलैंड में नमी के चलते कीचड़ और दलदल बन गया है जिसकी वजह से वहां खतरनाक मच्छरों और जहरीली मकड़ियों जैसे कीड़ों का भी बोलबाला है। अगर मगरमच्छों से बचे तो आप मच्छरों और मकड़ियों के जहर से होने वाले रोगों का शिकार हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहां से जीवित निकल पाना लगभग नामुमकिन है और यही उन जापानी सैनिकों के साथ हुआ था और यही वजह है कि रामरी आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहां के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये थे दुनिया के 10 रहस्यमयी आइलैंड और उनके पीछे की रहस्यमयी रियल घटनाओं की कहानियां। अगर ऐसे ही और आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को लाइक करें या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।